Assalamualaikum students, good morning, how are you? I hope you all are fine. So let's start our Islamiyat work. Open your Islamiyat book and the page number is 30. Page number 30 and the topic is Hamare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Betiya. Page number is 30. स्टूडेंट्स, हमने सरगर्मी नंबर 1 कल का हमारा काम था जो कि आपको सॉल्व करने के लिए दिया था और हमने इसके चारों क्वेश्चंस नोटबुक पर राइट करने थे. ये हमारा होमवर्क था. नाउ स्टार्ट ओवर टू डेज वर्क. हम अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं, सरगर्मी नंबर 2. लेट्स स्टार्ट ओवर वर्क. दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें. सो द नंबर 1 इज मुसलमानों को मक्का के मुशरिकों की वजह से 3 साल डैश में रहना पड़ा. आपने रीडिंग में भी पढ़ा था कि मक्का के जालमों काफरों की वजह से मुशरिकों की वजह से मुसलमानों को 3 साल तक कहाँ रहना पड़ा था. सो द राइट ऑप्शन इज घाटी. राइट ऑप्शन इज घाटी. मुसलमानों को मक्का के मुशरिकों की वजह से 3 साल तक घाटी में रहना पड़ा. नंबर 2, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबूवत के वक्त उम्र 10 साल थी. कितनी थी? 10 साल. द राइट ऑप्शन इज 10 साल. कि हज़रत ज़ैनब की उम्र नबूवत के वक्त 10 साल थी. नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ैनब मेरी सबसे डैश बेटी है. सो द आंसर ऑफ नंबर 3 इज अफजल. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरी सबसे अफजल बेटी हैं. नंबर 4, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों की डैश हैं. सो द राइट आंसर इज सरदार. हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं. सरगर्मी नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की शादी किन से हुई. इनके नामों के सामने इनके शोहरों के नाम लिखें. यानी ये चार नाम हमें दिए गए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम. हमने इनके सामने इनके शोहरों के नाम राइट करने हैं. सो नंबर 1, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. इनके शोहर का नाम था हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. नंबर 2, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. इनके शोहर का नाम है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. नंबर 3, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. जैसा कि स्टूडेंट्स आपने रीडिंग में पढ़ा था कि हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत उस्मान से हुई थी, बट हज़रत रुकैया के वफात पा जाने के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम की शादी भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दी गई. सो हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम के शोहर एक ही शोहर थे जिनका नाम था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. हज़रत रुकैया की वफ़ात के बाद हज़रत उस्मान से हज़रत उम्मे कुलसूम की शादी कर दी गई थी. सो हज़रत उम्मे कुलसूम के शोहर का नाम भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है. हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शोहर का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. Turn your page number 31. Page number 31 and the sargarmi number 4. Durust jawab par good ka nishan lagayein. So number 1 is Nabi sallallahu alaihi wa sallam ki sabse badi beti thi Hazrat Rukaiya, Hazrat Zainab, Hazrat Fatima. So the right option is हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. नंबर 2, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने
अपनी डैश हज़रत खदीजा की बहुत खिदमत की। चची, खाला, वालिदा। सो द राइट ऑप्शन इज़ वालदा। हज़रत रुकैया ने अपनी वालदा हज़रत खदीजा की बहुत खिदमत की। नंबर थ्री, डैश ने भी अपनी बहनों की तरह मक्का से मदीना हिजरत की। हज़रत रुकैया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम। सो द राइट ऑप्शन इज़ हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत उम्मे कलसूम ने भी अपनी बहनों की तरह मक्का से मदीना हिजरत की। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ, उसकी एक्सरसाइज थी। आपने इसको अच्छे से लर्न करना है, पेज नंबर 30 एंड पेज नंबर 31, इन दोनों पेजेस को आपने अच्छे से लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।